हेलो दोस्तों, राम राम और नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, राम राम। हेलो दोस्तों नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है तुम्हें राग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं नई नाथ महादेव मंदिर। अब सुनने में अजीब सा लग रहा है कि नई नाथ महादेव मंदिर, मतलब नाम किस तरह से पड़ा होगा। तो ये एक दिलचस्प जो है वो कहानी है इसकी भी, तो हम जाकर के वहां पर बातचीत करेंगे, देखेंगे इसके पीछे क्या है वजह नई नाथ महादेव मंदिर। साथ ही वहां पर किला भी है और आसपास की पहाड़ियां हैं, बहुत ही अमेजिंग जगह है, वहीं पर जा रहे हैं। तो चलिए लेटो भी वापस दे दें। ओके चले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो पलाई बनाने का कुछ काम हो रहा है इस तरह का। खूब सारे सूखे हुए पत्ते जैसे लग रहे हैं और इस साइड में भी बहुत सारे दिख रहे हैं, आप देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये बस्सी है, बस्सी का मार्केट। और हम तो गूगल मैप को इस्तेमाल करते हुए चल रहे थे और चल रहे हैं, लेकिन कई बार गूगल मैप भी क्या है कि ज़्यादा शॉर्टकट बता देता है, और आज भी इसने क्या किया, ज़्यादा शॉर्टकट ही बता दिया। एकदम भीड़ भाड़ और पतली गली बस्सी की, जो मेन मार्केट की गली है यहाँ पर, उसके अंदर से हमें शॉर्टकट बताया और अब बड़ा मुश्किल से यहाँ से निकले। खूब सारी बाइक वगैरह यहाँ पर खड़ी थी, इसलिए दिक्कत हुई। ये दोस्तों पूरा पूरा जंगल और पहाड़ों का इलाका है और रोड भी थोड़ी टूटी टूटी जैसी है, पर लोग यहाँ पर खूब सारे आ रहे हैं, खासतौर से बाइक पर। पूरा पूरा कीकरों वाला जंगल है इस साइड में भी, देखिए टूट गया और खराब हो गया और खराब हो गया। जय महादेव जी की। अब हम आ चुके हैं दोस्तों मुख्य दरवाजे पर, नई नाथ महादेव मंदिर। हर हर महादेव। ये क्या चीज गोड़ रहे हो, भांग क्या? प्रसादी के रूप में। हाँ बोल बोल, ओम नमः शिवाय बोल सर। ओम ऐसे बोल से ओम। ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? नाम तो गुरु महाराज है, मंगलनाथ बोलते हैं। अच्छा। और ये जो स्थान है नई महादेव, तो कैसे पड़ा नई नाम और कितना पुराना है? प्राचीन स्थान है, पहाड़ पर्वत अरावली एरिया के बीच में पर्वत है, नईनाथ भगवान है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। स्वयंभू हैं, निखलवी मूर्ति है और आने वाली यात्रा की मनोकामना सिद्ध होती है।
और नईनाथ नाम इसलिए पड़ा कि हमारे यहाँ बांस को गांव का नाम बंसीगढ़ नाम का गांव का नाम था और वो वहाँ के जो महाराज साहब थे उन्होंने तीसरी शादी की थी। तीसरी शादी कर जब महारानी साहब यहाँ पधारी थी वो भगवतगढ़ की थी, मारवाड़ साइड की, वो भगवतगढ़ की थी। उन्होंने अपना जो शिव उपासक थी तो वहाँ के जो महारानी साहब के पीर वाले तो शिव उपासक थे, महाराज साहब हमारे जो बांस को बंसीगढ़ के राजा थे वो देवी उपासक थे। उन लोगों ने आकर के जब तीसरी रानी आई आकर के जब वो दुल्हन बन के वहाँ से आई थी उस समय तो वहाँ भगवान शिव का पाठ पूजा भजन करके आई थी और यहाँ आने के बाद में जब बंसीगढ़ आई तो यहाँ पे हमारे को शिव का मंदिर उस समय नहीं था। जब आकर के रानी साहब ने कहा कि मैं जब तक शिव का पूजन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं शिव उपासक हूँ, मूर्ति पूजन करती हूँ, मूर्ति विश्वास करती हूँ, तो उन्होंने उनके जो ससुराल पक्ष वाले महाराज श्री ने महारानी साहब ने उन्होंने सब ने कहा भाई दुल्हन भाई दुल्हन बेटा अभी तो हमारे यहाँ मंदिर नहीं है मगर बनवा देंगे, बनवाएंगे तो समय लगेगा, मूर्ति बनाने में समय लगेगा तो हम मंदिर बना देंगे, तो इसलिए आप कभी मूर्ति आप फोटो की पूजा करके आप भोजन कीजिए। मगर महारानी साहब का तो हिष्ट था, शिव उपासक में कुछ अलग शक्ति होती है। महारानी साहब ने कहा जब तक मैं शिव की मूर्ति का पूजन नहीं कर पाऊँगी, जब तक मैं अपना अन्न ग्रहण नहीं करूँगी, तो उन्होंने जो पीर पक्ष ने सभी ने एक दो रोज़ मनाने के बाद में अगर वो नहीं मानी तो उसको कहा भाई तू अब तू अपना इतना ही शिव में विश्वास रखती है तो तू अपना नाथ बता कहाँ है। तो महारानी साहब महल में सोती हुई थी, सपन में ये मूर्ति आई, जगह दिखी, उस जगह को सुबह अपने ससुराल पक्ष के जितने जो लाजमा लवाजमा के साथ महाराज साहब सही त्यां पधारी। पधारने के बाद में इस जगह पर जो कंकरी जो जंगली जो पेड़ थे उनको सफाई करके और फिर मूर्तियाँ जो ऐसा किया उन्होंने तो ये मूर्ति निकली, अपना मूर्ति निकली थी, इस मूर्ति का उसने पूजन किया। तो जब महारानी साहब ने यहाँ मूर्ति को जो पृथ्वी से निकल के इसका पूजन किया था, अग्नि करके जो प्रसन्न करके भगवान को शिव का भोग लगाया था वो जब से आज तक अग्नि प्रसन्न रहे धुना जो वैसी की वैसी। और महारानी साहब ने जब भगवान शिव का पूजन कर आरती की थी दीपक करने के बाद में जो भगवान शिव के ऊपर अखंड ज्योति है वो आज तक अखंड ज्योति है और अखंड धुना है। उन्होंने ये मंदिर बनवाया, शिव की पूजा की। ये कितनी पुरानी बात है? ये मैं इस समय आज की तारीख में 16वीं पीढ़ी में हूँ। 16 पीढ़ी से पहले गृहस्थ परिवार पूजा करता आ रहा है, उससे पहले महात्मा लोग जो नागा लोग थे वो पूजा करते थे। करीब 1000 वर्ष ऊपर से स्थान है, 1000 साल से भी पुराना स्थान है, करीब 1000 साल से भी पुराना स्थान है ये। और यहाँ पर जो बंसीगढ़ फोर्ट है ना, ये बांस को गांव का नाम पूरा पहले था बंसीगढ़ का नाम परिवर्तन होने के बाद में उसका नाम बांस को रख दिया गया। और वहां पर जो महल किला है वही था एक राजा रानी का, बिल्कुल जैसा का तैसा था, वही महल है, वही राजा, वही राजा वो किला है ऊपर पहाड़ के ऊपर। मगर इस स्थान के तो महाराज साहब ने जो प्रसन्न पूजा करने के बाद में इसके चारों दीवारें मंदिर शिखर से मंदिर बनवाया। हमारे जो बुजुर्ग थे तो महारानी साहब ने इसकी पूजा आराधना करने के लिए हमको नाथ संप्रदाय से हमको पुजारी रखा हमारे पुरुषों को, वो आज तक दर पीढ़ी दर चलती आ रही है। अब इस समय 16 पीढ़ी से करीब हम जो पहले हमारे पूर्वज नागा साधु हुआ थे वो ग्रस्त हो गए थे, ग्रस्त होने के बाद में ग्रस्त परिवार से मैं आज की तारीख में स्वयं 16वीं पीढ़ी में भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और जो वास्को गढ़ है वो वास्को नाम उसके नाम पढ़ने की क्या कहानी? बांस को गांव इसलिए है, बांस को हमारे जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरियाओं में जो क्षेत्र बटा हुआ है उस पेड़ के जहाँ जिसका पेड़ था बांस को, बांस जो लकड़ी होती है वहाँ के उस जो जिस वो स्थान है जिस वो जिसको जगह बोलते हैं उस जगह पे बांस के पेड़ हुआ करते थे। बांस के जितने जो पेड़ हुए ना तो हम किसी के नाम पर प्रतीक चिन्ह पर या किसी आस्था के ऊपर हम किसी का नाम रखते हैं। जैसे हमारे बच्चों का होता है, हमने किसी का नाम राम रख दिया, किसी का नाम लक्ष्मण रख दिया, तो जगह का नाम भी वैसे हम रखते हैं। हमारे यहाँ से हिंदुस्तान में परिपाटी है जिस जगह का नाम उस वो चिन्हित करते हैं याददाश्ती के लिए कि भाई याददाश्ती रहे। तो ये हमारे यहाँ जो बांस के पेड़ बहुत थे, अधिक पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, जंगली पेड़ थे, इसलिए उसको बांस को नाम से बांस को खोड़ा बोलते हैं। खोड़ा का नाम है जगह, हमारे धुंधाड़ी भाषा में उसको खोड़ा बोलते हैं जगह को, तो वो बांस को गांव के नाम से उसको रखा गया। जिला कौन सा है यहाँ पर? जयपुर जिला है, तहसील बस्सी। और यहाँ पर बारिश के दिनों सबसे ज्यादा श्रावण मास में आते हैं लोग? श्रावण मास अच्छा मेला है, नईनाथ भगवान के 10-12 मेला लगते हैं, 2 बड़े 10 छोटे, तो श्रावण और शिवरात्रि लक्की मेला होता है।
और जो नई नाथ महादेव है इसमें नई नाम रानी का था, नई रानी का नाथ। हमारी यहाँ धुंधाड़ी जो भाषा हो ना हमारे हिंदुस्तान की, इसमें इसका पर्यावर्तन है कि नई का नाथ नहीं, इसका नाम नई रानी का नाथ। नई रानी के सपन में आया था, नई रानी ने पूजा पाठ की थी, नई रानी ने आराध्य देव किया था, आराधना की थी, तो इसे नई रानी का नाथ है, नाथ है। और बाकी यहाँ पर खूब सारे मंदिर वो सब बाद में बने। मंदिर यहाँ कोई भी नहीं था, कोई धर्मशाला नहीं थी, केवल भगवान ये चारों जो त्यौहार हैं यही मंदिर थे। मेरे बालकाल में 3-3 बजे ही पूजा पाठ किया करते थे। और यहाँ बहुत से जंगली जानवर हमने देखे हैं, जंगली जानवर थे अभी भी तो इस समय तो नहीं है, मगर यहाँ मेरे बालकाल की बात है, मैंने ऐसे जंगली जानवर देखे हैं, तो यहाँ कोई नहीं था। अब जो अभी 10 साल से करीब नई नाथ की इतनी महिमा बढ़ी है कि प्रत्येक समाज की धर्मशालाएँ हैं, पहले नहीं था, मेरे बालकाल में नहीं है, मेरे सामने बनी है सब धर्मशाला जितनी जो बनी है वो मेरे बालकाल से बाद में ही बनी है। और जितनी जो आज की तारीख में यहाँ श्रद्धालु जो आ रहे हैं करीब 10 साल से, भगवान शिव की ऐसी अनुकंपा है, यहाँ के जो इनके जो इष्ट जो पुजारी थे जिन्होंने इनकी घोर तपस्या की, बाबा भावनाथ जी ज्ञाननाथ जी की बार समाधियाँ हैं, उनकी जो कृपा है, इनकी तो कृपा है ही है, मगर जो इनके आर्यदेव थे, आर्यदेव पुजारी थे जिन्होंने घोर तपस्या की थी, वो बाबा भावनाथ जी और ज्ञाननाथ जी हैं जिनके बार समाधियाँ हैं, वो आने वाले यात्रियों की सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। ये श्रावण की तो चतुर्दशी को और अभी महाशिवरात्रि का जो मेला है, 21 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसको मेला भरेगा और उस मेले में झांकी निकलती है, फूल बंगले की झांकियाँ भगवान शिव की मूर्ति को सजाई जाती है मंदिर में। अच्छा, श्रद्धालु बाहर से दर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, ये आपको हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, ये है शुभ जर्नी यूट्यूब पर चैनल। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। दीपक कुमार। अच्छा, ये आपको भी छूट रहा हूँ। अच्छा, ये अब छत के ऊपर आ गए हम, इतना चुगा। हाँ, वो काफी ज्यादा चुगा आता है जी, देखो मंदिरों के अंदर जा रहा है चुगा। अच्छा, ये नीचे वाला भी, नीचे वाला जी चुगा है जो यहाँ पे। अच्छा, दूसरे आसपास के मंदिरों में जा रहे हैं, यहाँ मतलब ज्यादा आ गया इसलिए। अच्छा, क्या श्रद्धालु नहीं आते ना इस कारण चुगे के लिए। इधर ये काम चल रहा है, यहाँ पे कातले बचे हुए थे। अच्छा, तो उनको हटाके फिर यहाँ पे आरसीसी गिरवाई है। मेन जो मुख्य मंदिर है वो यही है अपने सामने जो है, और इसके जो आसपास में वो दुर्गा माता है, देव माता है। अच्छा, thank you.
उसके बाद में हम पहाड़ी के दूसरी तरफ आ गए, बांसको जो किला है और गांव है, यहां पर एक किला है प्राचीन उसी समय का जिसके बारे में वो पंडित जी बात कर रहे थे, लेकिन यह अभी खुला हुआ नहीं था, इसके आगे लॉक लगा हुआ था। और यहां कोई पर्यटक आते भी हैं ये भी नहीं पता, किसी से पूछा हमने तो कोई किसी ने बताया कि किले के अंदर रहते हैं लेकिन वो अभी यहाँ पर थे नहीं। और ये किले का दरवाज़ा है जहाँ पर सामने लॉक भी लगा हुआ है, देखने से किला काफ़ी प्राचीन है लेकिन हम नहीं देख पाए। दोस्तों ये जो स्थान है वो जयपुर के तहसील है बस्सी, उसके पास में ही है। इस स्थान की लोकेशन जो है वो राजस्थान के, भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर के नज़दीक बस्सी, और यहाँ पर देखिए ये पहाड़ दिख रहा है बीच में एक अलग तरह से उठा हुआ। इन पहाड़ों के ही यहाँ पर अगर आप जाएंगे थोड़ा और नीचे तो नईनाथ महादेव मंदिर यहाँ पर है, और इस पहाड़ी के दूसरी साइड में अगर आप आएंगे इस साइड में तो यहाँ पर बांसको फोर्ट है, एक फोर्ट है एक पहाड़ी के ऊपर जो काफ़ी छोटा है। यहाँ पर जाने का तो कोई सीधा सीधा रास्ता भी नहीं था, और ये बांसको का महल गढ़ है, तो ये आपने देखा इस वीडियो के अंदर, बाकी आप देखेंगे शुभ जर्नी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू